नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता हो चुके हैं। पी चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वह इससे बचने की जुगत में है। बीती रात सीबीआई की टीम चिदम्बरम के घर पर गई थी, लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया था। आज सुबह भी सीबीआई की टीम चिदम्बरम के जोरबाग स्थित घर पर गई थी, लेकिन वह नहीं मिले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल गौर का आज सुबह भोपाल के नर्मदा अस्पताल में निधन हो गया। हृदय गति रुकने के बाद उनका निधन हुआ। वह पिछले कई दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन की सुनवाई आज होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में रामलला विराजमान की तरफ से आज बहस पूरी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के करीब 2.5 साल बाद मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार बुधवार को होने जा रहा है। सत्ता के गलियारे में लगाए जा रहे कयासों के बीच सूत्रों के मुताबिक कुल मिलाकर 24 मंत्री शपथ लेंगे। राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर बुधवार सुबह 5 बजे 206 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना की लहरों ने 40 साल बाद दिल्ली के लोगों को दहशत में डाल दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज यानी बुधवार को चंद्रयान 2 को चांद की दूसरी कक्षा में प्रवेश कराएगा। इसरो वैज्ञानिक दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में डालेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। मारे गए आतंकी की पहचान की जा रही है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। इसी क्रम में सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने के बाद बुधवार से कश्मीर घाटी में सभी माध्यमिक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता का राग अलापा है। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला बेहद जटिल है, भारत पाकिस्तान के बीच हालात विस्फोटक हैं। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गयावली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमालय राष्ट्रीय क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के पक्ष में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसएनबी के साथ। नमस्कार।